पहला बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसमें कि जो मेरे को लेंथ दे रखी है वो है 10 मीटर, और जो ब्रेथ दे रखी है वो कितनी है, 16 मीटर की है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या कह रहा है देख लीजिए, जो 10 मीटर की दे रखी है और वृत्त दे रखी है 16 मीटर की, इज सराउंडेड बाय ए कॉन्क्रीट वॉल ऑफ यूनिफॉर्म वृत्त, ठीक है। और ये सराउंडेड है एक कॉन्क्रीट वॉल से जिसकी जिस पे कितने कितना वो है एक्स, जिसकी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है एक्स। तो यहाँ पर एक एक क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन है, और थोड़ा सा छोड़ के, इतना सा गैप छोड़ के, एक्स मीटर्स का गैप छोड़ा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ पे एक वॉल बना रखी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो ये छोड़ा हुआ पार्ट है ना, ये वाला, ये कितने का है, ये जो छोड़ा हुआ पार्ट है वो 160 मीटर स्क्वायर है, ये पहले से ही आपको ये दे रखा है, ठीक है। और अब आपको क्या निकालना है, इसका एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों कितना इजी है ये भी, अब ध्यान से देखो। तो मेरा जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, वो हो जाएगा बच्चों 10 × 16, विच इज 160 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये तो पूरा बाहर वाला एरिया आ गया, अब देखो अंदर वाला एरिया, अब ध्यान से देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। देखो ये वाला जो पाथ वाला एरिया है ना, ये दे रखा है मुझे कितना, ये पाथ का एरिया है 160 मीटर। अब एक ध्यान से देखो, अगर मैं इस बाहर वाले एरिया से ये अंदर वाले एरिया को माइनस कर दूंगा तो ये 160 मीटर के बराबर आना चाहिए ना, और मैं इसको इक्वेट करता हूँ और देखो मेरी इक्वेशन बन जाएगी, एक्स की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये किसके बराबर होगा बच्चे, ये पाथ के बराबर, और पाथ की वैल्यू दे रखी है मुझे 60 मीटर स्क्वायर, है ना। तो देखो अब देखो ये जो, अब पी क्यू आर एस, अब पी क्यू आर एस की बात आई, अब जो पी क्यू आर एस है, अब पी क्यू क्या आएगा, देखो ध्यान से, पी क्यू मेरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 10 है, ये पूरा 10 है, और ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये हो जाएगा 10 − 2x। और जो आर क्यू है, आर क्यू है वो भी कितना है, 16 है, और ये भी हो जाएगा 16 − 2x। तो देखो ये लेंथ और ये ब्रेथ भी आ गई मेरे पे, अब मैं आराम से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो 160 है क्या, ये 160 नहीं, 120 है शायद, ये ना वॉक, हाँ ये बच्चों सॉरी, ये जो है ना पाथ जो मेरे को गिवन है ये 120 है, पाथ का एरिया मुझे कितना गिवन है, 120 है ना। तो ये मैं इसको 120 लिख लेता हूँ, पाथ का एरिया मुझे 120 गिवन था। तो 120 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी है 160 माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस बच्चों क्या हो जाएगा, लेंथ है मेरे पे कितना 10 − 2x, और ब्रेथ है मेरे पे 16 − 2x, ठीक है। ओके जी, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और अब एक्स की वैल्यू मेरी आराम से आने वाली है। तो देखो मैं सॉल्व करता हूँ, 120 इक्वल्स टू 60 माइनस, ब्रैकेट लगाया बच्चों, ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि ये फिर ये गलत कर देता है सारा, ठीक है। जब मैं इसको ब्रैकेट को खोलूंगा तो साइन देखो माइनस का है, सारे चेंज होंगे, 10 × 60 हो जाएगा 160, फिर ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये हो जाएगा 20x, फिर −2x × 16, ये हो जाएगा बच्चों कितना, −6 = 12, और 2 × 2 = 32x, माइनस माइनस प्लस 4x² है ना। अब ध्यान से देखो, अब मैं पहले इसको ऐड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 120 इक्वल्स टू 60 माइनस, ब्रैकेट लगाया मैंने 160 माइनस, दोनों माइनस माइनस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 52 −52x + 4x². अब मैं इस ब्रैकेट को खोल देता हूँ, तो देखो ये हो जाएगा 120 इक्वल्स टू 60, ये ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा −160 माइनस माइनस प्लस 52x, और ये हो जाएगा −4x². तो देखो ये कट गया इससे, ठीक है। अब ये हो जाएगा बच्चों, ये पूरी टर्म को उठा के मैं इधर फेंक देता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों 4x² − 52x + 120 इक्वल्स टू 0। और बच्चों ध्यान से देखिए, ये बन गई मेरी अब क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको पूरे को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x² − 13x + 30 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ,
और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आने वाला है। तो देखो मैं अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो एक्स की वैल्यू अब 2 आएंगी, है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 13x+30 इक्वल्स टू 0, और देखो 30 के मैं फैक्टर्स निकालता हूँ, 3 1 जा 3 और 10 1 जा 10, तो 10 और 3 13, ये हो जाएगा माइनस, माइनस लगाऊंगा तो -13, मल्टीप्लाई करूंगा तो 30, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10x+30 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को मैं, एक्स कॉमन है तो x-3, इन दोनों में 10 कॉमन है तो x-3 इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू बच्चों आ जाएगी एक बार 3, एक्स की वैल्यू एक और बार आएगी 10, और 10 तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 तो मेरी लेंथ ही थी, तो ये तो बीच का हो ही नहीं सकता। तो ये एक्स जो हो जाएगा वो मेरा 3 हो जाएगा, और ये मेरा आंसर है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15।